आपने मुझे याद है कुछ हफ्ते पहले हमसे जब बात की थी तो आपने MRF पर भी बात की थी यार कि चार स्टॉक सारे स्टॉक्स में अच्छी मूव है और आप MRF को देखें तो वहां पर भी आज पिछले दो तीन दिन से MRF के टायर स्टॉक सारे चल रहे हैं लेकिन MRF के वो लेवल्स बहुत क्लोज है. आपने तो 1 लाख का टारगेट दिया था आई थिंक. कब दिया था मितेश? या बिफोर 3 मंथ्स. थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग. बिफोर 3 मंथ्स हमारी चैनल के ऊपर हम सबसे पहले थे मार्केट में जिन्होंने ये एडवोकेट किया था कि पहला इंडियन स्टॉक मार्केट का वो पहला शेयर होगा जो 6 डिजिट में जाएगा जो है MRF. 1 लाख का पहला टारगेट था. दूसरा टारगेट हमने एडवोकेट किया था 1,25,000 का. तो हमने से ये पहले दर्शकों को बताया था कि सबसे पहला जो स्टॉक इंडियन मार्केट में जो 6 डिजिट में जाएगा फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वो MRF है. और जब हमने बताया था तब स्टॉक का भाव अराउंड 88,000-90,000 का था. अभी वी आर क्लोज टू दैट मैजिकल फिगर ऑफ 1 लाख रुपीज. हमें लग रहा है कि ये बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड है MRF के लिए और पहली बार ये होगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग 6 डिजिट में स्टॉक्स देखते हैं तो हमारे मार्केट में भी ये पहला स्टॉक होगा जो कंटिन्यूअसली 6 डिजिट के ऊपर ट्रेड करेगा. तो हमारे हिसाब से पहला 1 लाख का टारगेट हमारा लक्ष्यांक है. दूसरा है 1,25,000. ट्रेंड का बिगिनिंग है शायद टॉवर्स दिस ईयर एंड 2023 में हमको शायद ये स्टॉक जो है वो 1,25,000 से 1,30,000 के बीच में ट्रेड हो सकता है. तो हमारा पहला टारगेट बहुत जल्द अचीव होगा. अल्टीमेट टारगेट हमारा है 1,25,000. ठीक है, तो एक पॉइंट आप और नोटिस कर सकते हैं. हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं.